लवली सोल, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फाइनली आई गॉट अ प्लेस टू वर्क। मुझे जगह मिल गई है काम करने के लिए। घर से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था बिकॉज माई हाउस इज नियर टू अ मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर बहुत नॉइज होती है। सो येस, आई गॉट माई प्लेस एंड दिस इज अ रीडिंग फॉर यू गाइज। वॉट इज रिटन इन योर डेस्टनी, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, और उसी के रिगार्डिंग ये रीडिंग आज होने वाली है। यहाँ पर तीन कार्ड्स है। पहला कार्ड है कम्युनिटी, द सेकेंड कार्ड इज ब्लेसिंग एंड द थर्ड कार्ड इज ट्रूथ। आप इन तीनों में से कोई भी कार्ड जो है वो चूज कर सकते हैं। इनका टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यू डोंट हैव टू वॉच द होल वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। इफ यू नीड सम मोर टाइम तो आप पॉज करके चूज कर सकते हैं अपना पाइल। हाय एवरीवन, तो अगर आप लोगों ने कम्युनिटी का कार्ड चूज किया है तो लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। सम ऑफ यू गाइस कैन बी एक्वेरियस, आप ऐसे कुछ लोग एक्वेरियस, सेजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं। काफी स्ट्रांग एनर्जी है, फायर एनर्जी भी, और आई एम गेटिंग एनर्जी ऑफ फ्रीडम ओवर हियर। लाइक किसी को इस लाइफ टाइम में अपने किसी हैवी पास्ट कर्मा से एक फ्रीडम मिल रही है, उस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी इस कार्ड से यहाँ पर आ रही है। इट इज ऑल्सो गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि लाइक इट्स लाइक अ स्टोरी फॉर मी कि कोई सोल है जो बहुत सारी लाइफ में रहा है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रियल में रहा है, काफ़ी कुछ लेसन वहाँ से गेन किए हैं, बट कहीं ना एक फ्रीडम नहीं मिली अपने आप को एक्सप्रेस करने की या अपने पास्ट के। होता क्या है कि जब भी हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाते हैं तो हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या डिज़ायर्स होती हैं जो पास्ट की लाइफ में पूरी नहीं हुई होती है, वो कहीं ना कहीं हम आगे लेके जाते हैं। सो आई एम सीइंग कि आप उन हैवी एनर्जी से इस लाइफ टाइम में एक तो बाहर निकलने वाले हो। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रांग एंड अ मेजर मैसेज फॉर यू गाइज। एंड अगेन, ये जो भी प्रोसेस होगा इट कैन बी अनकंफर्टेबल फॉर यू गाइज बिकॉज इट जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि जो चीज़ हमारे सोल ने लाइफ में कभी नहीं करी है, अब वो एकदम से इन दिस लाइफ टाइम अगर वो करेगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी। एंड आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग भी आएंगे हु विल एक्चुअली रियली हेल्प यू टू यू नो टू मूव टूवर्ड्स योर डेस्टिनी, कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव कर सकें, इन चीज़ों में से बाहर आ सकें और निखर के बाहर आ सकें। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। काफ़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप में से कुछ लोग एलजीबीटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस चीज़ की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोग लिए ऐसा भी है कि यू गाइस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर कम्युनिटी, जिस सोसाइटी या कम्युनिटी में आप रहते हैं या जो भी वहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर है, समवेयर यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, या आप उससे डिफरेंट हैं, यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। एंड आई एम सीइंग कि वो चीज़ होगी बिकॉज इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। एंड इफ यू रियली लाइक माई चैनल, इफ यू रियली वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड इफ यू रियली वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी तो उसमें भी आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिखाई दे जाएगा या नेम दिखाई दे जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइड्स। ओम श्री वैष्णवे नमः। क्या लिखा है पाइल नंबर वन की डेस्टिनी में? आप में से कुछ लोग कुछ बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल, जैसे कि आई डोंट नो व्हाई कुछ लोगों के लिए कि ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ तो मैच नहीं करेगा, कि आज भी आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में लव मैरिज को लेकर अभी भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कम्युनिटी से बाहर शादी करने में भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं। एंड हो सकता है सम ऑफ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड विद दैट पर्सन, बट कहीं ना कहीं वो फैमिली का एक प्रेशर है, एक ट्रेडिशन और सोसाइटी की वजह से प्रेशर है, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस लाइफ में हो सकता है। ऐसी कोई और भी चीज आपके लाइफ में हो सकती है, वो आप अपने तरीके से देखेंगे बिकॉज अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग। ओम श्री विष्णु। प्लीज प्रभु हमें बताइए फाइल नंबर वन के लिए क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में। प्रभु क्या लिखा है डेस्टिनी में? वाओ, एस ऑफ कप्स, लविंग योर सेल्फ, फॉलोइंग योर सेल्फ। ओके, सो
अगेन विद दिस कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स, पहली चीज तो मुझे यही दिखाई दे रही है कि कनेक्टिंग विद योर हार्ट, कनेक्टिंग विद योर सोल, इस लाइफ टाइम में एक डेस्टिनी है ये आपकी कि आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होंगे. अब सोल के साथ कनेक्ट होने का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि बहुत बार लाइफ में देखो ऐसा होता है कि दूसरों लोगों की चीज़ों से हम इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि वो हम रियल हैं, वो ही हमारी एक्चुअल सेल्फ है. बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं या लाइफ में हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि डीप डाउन हमें वो चीज़ कभी चाहिए ही नहीं थी या हमें वो चीज़ कभी पसंद ही नहीं थी. उस चीज़ में हम सिर्फ इसलिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, फैमिली या पीयर प्रेशर या फ्रेंड्स हो गए, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, जिस वजह से हम अपने सोल को समझने में भूल कर जाते हैं. लेकिन आई एम सीइंग कि इट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, सो डेफिनेटली यू विल डू दिस. ये चीज़ आप यहाँ पर करोगे और अभी भी आप इसी जर्नी पे चल रहे हो. एंड यू विल टेल मी थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो. कुछ लोगों के लाइफ में इस टाइम सेल्फ लव काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वी ऑल्सो हैव द थ्री ऑफ कप्स. अब थ्री ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि इन योर डेस्टिनी यू विल ऑल्सो मीट सम पीपल, दोस्त हो सकते हैं या कोई मेंटर हो सकता है, इट जस्ट नॉर्मल कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे आपकी जर्नी में डेफिनेटली आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे. थ्री ऑफ कप्स मुझे एक और चीज़ दिखा रहा है कि योर स्पिरिट गाइड्स आर रियली कनेक्टेड विद यू. आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं. या सो आई वॉज सेइंग कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद यू, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड है. एंड आई एम सीइंग दैट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस जर्नी. वो आपकी इस जर्नी को बहुत ईजी बनाएंगे. आपको लगेगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट या मुश्किल या वट एवर इट इज, बट आई एम सीइंग कि अपनी उनकी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पर टू मेक इट बेटर. कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के थ्रू, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि अगर आप कोई रॉन्ग डायरेक्शन चूज कर रहे हैं तो किसी न किसी थ्रू वो आपको हेल्प करेंगे वहाँ से वापस आने में. ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई करियर पाथ भी हो सकता है, कोई भी लाइफ की चीज हो सकती है. विद दिस एट ऑफ कप्स आई एम सीइंग इन दिस लाइफ टाइम यू आर गोइंग टू लीव लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड. बहुत सारी चीज़ें आप छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं. अब इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी पर्सन को छोड़ के या किसी जगह को छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं. बहुत लोगों के लिए ये भी मतलब हो सकता है, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जो आपकी सोच है उससे आप आगे निकल रहे हैं. आप काफ़ी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी हैबिट्स को. तो वो वाली एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो आप अपने लिए कर रहे हैं. बिकॉज यू वॉन्ट टू लव योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू चूज योर सेल्फ, एंड दैट्स वाई यू आर लीविंग दोज थिंग्स बिहाइंड. इसलिए आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं. वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज टेलिंग मी दैट इन योर डेस्टिनी इट इज रिटन कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी. अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें स्टेबल नहीं है या थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेरी वेल इन योर लाइफ, विद दिस कार्ड ऑफ एट ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली थिंग्स विल गेट बेटर. स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मिलेगी. बट वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो प्रोसेस होगा स्टेबिलिटी का, ये स्लो रहेगा. स्लो होगा क्योंकि आप एक एक स्टेप लेके यहाँ पर आगे बढ़ोगे. ओके, सो लेट मी पुल जस्ट वन मोर कार्ड फॉर यू गाइज to see a bit more about it. Just a second. Let me start with these cards. Please spell it, guys. What is written in the destiny? Kya likha hai ki destiny mein? We have the card imagine. Wow. So you can manifest a lot of things in your life. Pile number one, and I feel that through your imagination, आपकी imagination काफ़ी strong है. आप में से कुछ लोगों का 12th house में काफ़ी planet placement हो सकती है, या फिर आपका लग्न लॉर्ड जो है वो 12th house में बैठा है, या 12th house से कोई भी जो planet वहाँ पे बैठा है उसकी दशा चल रही है. It is something very much strongly about 12th house, because यहाँ पे imagination का card आया है. It is also showing me कि आप एक spiritual realm से काफ़ी ज़्यादा connected भी है. ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर इस card के through दिखाई दे रही है. और यही जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मिलने वाली है वो आपको इस लाइफ में बहुत हेल्प करेगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत किया करिए. आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट भी हुआ होंगे कि आपको कोई चीज़ इंट्यूटिवली ठीक नहीं लग रही है, स्टिल आप वो चीज़ कर रहे हो. आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो और लेटर ऑन आपको रियलाइज हो रहा है कि आपकी इंट्यूशन सही थी.
समथिंग लाइक दैट कैन हैपन इन टू योर लाइफ. सो दिस इज वॉट आई हैव फॉर यू गाइज. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो. डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. अगेन इफ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप और रीडिंग्स या पिक अ कार्ड्स देखना चाहते हैं तो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स. पाइल नंबर 2. लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग गाइस. आप में से कुछ लोगों की वीनस एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है. आप लोगों का वीनस या तो टॉरस में हो सकता है, पाइसिस, इट कैन ऑल्सो बी इन लिब्रा. इट्स रियली स्ट्रांग एनर्जी ओवर हियर. एक बहुत ही स्ट्रांग फेमिनिन एनर्जी भी है यहाँ पर. इट डजंट मैटर आप मेल है या फीमेल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मीन्स आई एम गेटिंग एनर्जी ऑफ समवन हुज रियली केयरिंग एंड नर्चरिंग. बहुत ही स्ट्रांग एक हीलर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है. आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हैं. यू गाइज कैन बी इन टू अ मेडिकल फील्ड. दिस कैन ऑल्सो भी पॉसिबल और इन टू काउंसलिंग या समवेयर डीप डाउन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यू नो यू शुड हेल्प अदर पीपल. कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प करनी चाहिए ताकि जो उनका इमोशनली जो वो पेन में है उससे वो बाहर आ सके या वो कम हो सके. अगेन आई एम ऑल्सो सीइंग नेचर ओवर हियर. तो यहाँ पर एक नेचर की भी बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है दैट यू ऑल्सो फील दिस वे फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. वो चीज़ भी यहाँ पर आ रही है. सो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में हेल्प करेगा विद दिस रीडिंग. ओके सो लेट मी जस्ट स्टार्ट इट. जस्ट अ सेकेंड. लेट मी जस्ट फील बिट कम्फर्टेबल. ओम श्री विष्णु वे नमः. पायल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स. जस्ट अ सेकेंड. लेट मी हेल्प देम, गाइड देम एंड हील देम. प्लीज हमें बताइए. एंड टिल देन यू गाइज कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आर फैमिली. एंड इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल पेड रीडिंग उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाके बुकिंग करा सकते हैं. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं टू सी मोर पिक कार्ड रीडिंग्स. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 2. वॉट इज देयर डेस्टिनी. वेरी क्रिएटिव पीपल. आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है. इट्स अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी. इस लाइफ टाइम में डेस्टिनी में आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उभर के बाहर निकलेगी. किसी भी तरीके से आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जहाँ पर वो दूसरों लोगों से डिफरेंट होगा. किसी भी आप फील्ड में जॉब करते हो डजेंट मैटर, बट आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रांग क्रिएटिव एनर्जी. आपका सोल ऐसा है कि जहाँ आप जाओगे यू हैव अ वेरी केयरिंग एंड अ नर्चरिंग एनर्जी जो दूसरों को हील करने में हेल्प करेगी. बेशक आप उससे बात करो या ना करो, डजेंट मैटर. इनकी डेस्टिनी में क्या है स्पिरिट गाइड्स. ओके वी हैव द कार्ड 4 ऑफ कप्स. वी हैव द कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके विद दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स आई एम गेटिंग दिस थिंग वेरी स्ट्रांगली. आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपने करियर में काफ़ी चेंजेस किए हो या भी हो सकता है आपने रिसेंटली अपने करियर में कोई चेंज किया हो. व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन या करियर वहाँ पर एक कन्फ्यूजन है. What is best for you, what is not, again it's a specific reading. अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में नहीं है, I would suggest you to choose another pile, but थोड़ा सा पहले 5 मिनट सुन लो, उसके बाद you can change your pile. For some of you guys, I am seeing this thing that आप कुछ भी करते हैं ना, दिल में उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है. ऐसी चीज़ हो सकता है लाइफ में या तो आपकी अभी हो रही है या हो सकता है अभी थोड़ा सा रिसेंटली पास्ट में हुआ हो. We also have the card of Knight of Wands. Now, Knight of Wands is showing me a very, again, very, जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि बहुत कोई केयरलेस पर्सन है, बट एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो इंसान है बहुत एडवेंचरस है, लाइफ में काफ़ी कुछ करना चाहता है. एडवेंचर का मतलब हमेशा नहीं होता दैट यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स या आप ट्रैवल कर रहे हैं. इट ऑलवेज डजंट लाइक दैट. समटाइम्स इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट यू आर अ वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ अ सोल कि आप अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. सपोज आप नए लोगों से बात कर रहे हैं, यू आर रीडिंग समथिंग न्यू, अ वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग ओवर हियर. इन योर डेस्टिनी आई एम सीइंग पहली चीज आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत बोल रही है. तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चीज़ यहाँ पर हो सकती है जो मुझे दिखाई दे रहा है. आपकी एक काफ़ी स्ट्रांग मार्स की एनर्जी भी है. वीनस एंड मार्स दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं. वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी जिस भी आप सिटी में हो या जिस भी कंट्री में हो वहाँ से बाहर सेटल हो सकते हो. या आपका काम कुछ ऐसा है जो बाहर की जगह से ज़्यादा है. प्लीज स्पिरिट गाइड व्हाट इज देयर डेस्टिनी. क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है स्पिरिट गाइड इनकी डेस्टिनी में. वाओ वी हैव द डेथ कार्ड. वी हैव द टावर. वी हैव द जजमेंट. हु आर यू गाइस. वी हैव द लवर.
कैन यू सी दैट वी हैव लाइक 1, 2, 3, 4, 5 मेजर अरकानास और सारे एक साथ निकले हैं. वाओ, दिस इज अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू पाइल नंबर टू. ये आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग ही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में काफी करियर ना हो तो रिलेशनशिप बहुत रहे हो या बहुत मेजर शिफ्ट या चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आए हो. थोड़ी सी कैसे भी एनर्जी है कि आप लोग दिल से ज्यादा सोचते हो, दिमाग से कम सोचते हो और जो डिसीजंस लेते हो कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो ठीक नहीं होते और आपको फिर रियलाइज होता है कि थोड़ा सा आपको मैच्योर तरीके से भी सोचना चाहिए था. तो ये कुछ लेसन्स आपकी लाइफ में लिखे हैं जो आपको रियलाइज कराएंगे कि बैलेंस लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट टावर. एक स्टोरी लाइन मुझे दिखाई दे रही है. आपकी लाइफ में आपकी जो पार्टनर होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स. दिस इज गिविंग अ वेरी स्ट्रांग सोलमेट एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन जो आपकी लाइफ में रहेगा. कुछ लोगों की लाइफ में कनेक्शन एक से ज्यादा हो सकते हैं. स्ट्रांग कनेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैजुअल कनेक्शंस. स्ट्रांग कनेक्शन आपकी लाइफ में सोलमेट वाले एक से ज्यादा आ सकते हैं. There are very strong chances कि suppose, just an example, कि आप किसी के साथ 2-3 साल बहुत ही strong, amazing relationship में रहे या 5-6 साल रहे, but जब शादी की बात आई तो चीज़ें work नहीं करी या शादी हो गई उसके बाद चीज़ों ने work नहीं हुआ and आप लोग separate हो गए. And after some time, someone else is coming in your life, and that is also a very strong soulmate connection. इस तरीके की चीज आपकी लाइफ में हो सकती है और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे अगर ऑलरेडी ये हो चुकी है. विद दिस कार्ड ऑफ टावर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा पाइल नंबर टू. अब मैं बताती हूँ कैसे. कि आप एक तरीके के इंसान हो, आपको इसी इसी तरीके की चीजें पसंद है अपनी लाइफ में. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पर आप बहुत खुश नहीं हो. आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है आपको लग रहा है कि डेस्टिनी आपके साथ जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, ठीक नहीं कर रही है और आपको एक ऐसे डायरेक्शन पे ले जा रही है जहाँ पर आप कभी जाना नहीं चाहते थे. एंड देन देयर्स दिस रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ. एक मेजर शिफ्ट आएगा और मैं आपसे आई कैन इवन राइट दिस ऑन अ पेपर. ये हो सकता है कि आपका जब सैटर्न रिटर्न आता है, शनि की अंतरदशा आती है, ये उस टाइम पर ये चीज हो सकती है. काफी पॉसिबिलिटी है 7:30 शनि या शनि का टाइम, क्योंकि ये बहुत मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा या 8वें घर की कोई दशा चल रही है. छिद्र दशा भी हो सकती है जो मुझे यहाँ दिख रही है. जिस टाइम पे आपकी लाइफ में ये मेजर शिफ्ट आने वाला है एंड आई एम सीइंग कि आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन जाओगे. ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है टू बिकम अ बैलेंस्ड पर्सन. बिकॉज बात क्या है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, बट समवेयर आप उन चीजों को ठीक तरीके से बाहर प्रेजेंट नहीं कर पाते हो. एंड व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, लव लाइफ में भी हो सकता है आपकी काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे हो. जो आप लव डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिला है. बिकॉज द रीजन फॉर दैट इज दैट समवेयर एक बैलेंस नहीं है. बट इन दिस लाइफ टाइम देयर विल बी दिस बैलेंस जो आप लर्न करोगे. एंड ट्रस्ट मी, जब ये चीज सिखाई जाती है ना तो ये कभी इजी नहीं होती है. आप में से कुछ लोगों के 7वें घर में या तो मंगल हो सकता है या शनि भी हो सकते हैं, या 7वें घर का लॉर्ड जो हो सकता है वो शनि हो सकता है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक लव लाइफ में भी काफी एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे जिससे यू विल अंडरस्टैंड दैट मैच्योर होना और वाइज तरीके से रिलेशनशिप को देखना बहुत जरूरी है. इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो भी फेरी टेल्स हम देखते हैं दैट इज ऑल्सो ओके, बट वेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप तो एक मेच्योरिटी, प्रैक्टिकलिटी बहुत मैटर करती है. तो ये चीजें आप सीखोगे बिकॉज यू आर अ वेरी नर्चरिंग एंड अ वेरी केयरिंग पर्सन. आप ना दिल से बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो, बट वो चीज अच्छी है. बट अगर वो बहुत ओवर हो जाती है तो क्या होता है कि हम अपनी खुद की बाउंड्रीज ब्रेक कर लेते हैं एंड जितना हम दे रहे हैं उतना हमें बदले में मिलता नहीं है. तो ये आपकी डेस्टिनी है दैट यू विल लर्न टू बैलेंस आउट थिंग्स इन योर लाइफ. आप में से कुछ लोग जो है मे बी यू आर 30+ और 29+ या मोर देन दैट एंड स्टिल सिंगल या अभी तक शादी नहीं हुई है बिकॉज इट इज गेटिंग डिलेड एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट. ये डेस्टिनी है, शादी होगी लेकिन डिले इसीलिए है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. ओके, सो लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू. ओम श्री कृष्ण.
प्लीज प्रभु आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं? अनफिनिश सिम्फनी, पास लाइफ के कुछ कार्मिक लेसन हैं आपके इन योर लव लाइफ विद योर रिलेशनशिप. सिर्फ लव लाइफ नहीं, हम इसे फ्रेंडशिप भी बोल सकते हैं, फैमिली के साथ भी बोल सकते हैं, जो आप इस लाइफ टाइम में खत्म करेंगे. बिकॉज अगर हम, जैसे कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट 8th हाउस, अब 8th हाउस भी इसी बारे में बात करते हैं कि पास लाइफ के कुछ कर्मा है, कुछ साइकिल्स है दैट यू हैव टू रिलीज, जो आपको रिलीज करनी है. तो इन दिस लाइफ टाइम डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दैट. एंड दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू गाइज फाइल नंबर 2. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड अगेन कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे जरूर जरूर बताइएगा. इफ यू वॉन्ट अ पर्सनल पेड रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर. हेलो माय लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सॉरी पाइल नंबर 3 चूज किया है, ट्रुथ का कार्ड, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग. आप से कुछ लोग केप्रिकॉन हो सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है केप्रिकॉन की, मकर राशि की या एक्वेरियस राशि की, काफ़ी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की. स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, वृश्चिक राशि जो होती है वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है. ओके, सो लेट मी सी विद द कार्ड्स. ऑल दो मुझे इस कार्ड से बहुत एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका हमेशा आशीर्वाद, उनका हमेशा सपोर्ट आपके साथ रहेगा. बेशक आप अपने दादा दादी से कितना कनेक्ट हुए थे, वो अभी हैं या नहीं है, या कोई भी जो एंसेस्टर्स हैं आपके, उनका हमेशा एक सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपको हर जगह गाइडेंस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो आपके ट्रेडिशन में जिस भी तरीके से एंसेस्टर्स की पूजा होती है या जो भी रिचुअल्स होते हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस चीज़ को फॉलो करें तो आपके लिए और अच्छा रहेगा. दिस इज अ सिंपल रेमेडी फॉर यू गाइज. ओके, पाइल नंबर 3. Om Shri Vishnu Ve Namah. If you are new to my channel, please subscribe to my channel to become a part of our family. And if you want a personal paid reading, then for that you can just click on this website. I'm sure यहाँ पर link नहीं आ रहा होगा, but आपको website का नाम दिख जाएगा. Link आपको description box में मिल जाएगा. और आप और pick a card readings देखने के लिए मुझे मेरे Instagram पर भी follow कर सकते हैं. Om Shri Vishnu Ve Namah. Pile number 3 के लिए spirit guide बताइए इनकी destiny में क्या है. गणेश जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, कान्हा जी की एनर्जी आ रही है. कोई यहाँ पर कोलकाता से है हु इज वॉचिंग दिस रीडिंग. वी हैव द कार्ड ऑफ 7 of Cups, 9 of Cups. क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में स्पिरिट गाइड्स, क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में? वाओ, मैजिशियन, द फूल, वाओ. द बॉटम ऑफ द डेक इज एम्प्रेस, तो मैं इसे ले रही हूँ 3 major arcana. दैट इज अ रियली स्ट्रांग मैसेज फॉर यू गाइज. ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस लाइफ टाइम में आपको किसी चीज़ को लेके सोसाइटी में कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाला है. हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अभी मिले या आपकी जो एज है उसी में मिले, किसी भी लेवल पे, एज पे मिल सकता है, लेटर एज पे भी मिल सकता है, बट डेफिनेटली मिलेगा. क्योंकि मुझे यहाँ पर येलो कलर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है. ऐसा दिख रहा है कि किसी ने कुछ किया है अपने जीवन में जिसके थ्रू उसको आसपास के लोग काफ़ी जान रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं. वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. आप में से कुछ लोग यहाँ पर IT या BTech फील्ड के हैं, वो भी आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पर क्यों दिख रहा है, बट पॉसिबिलिटी है. सम ऑफ यू गाइज आर ब्यूटिशियंस. ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस है जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्टेड फील कर सके रीडिंग के साथ. यहाँ पर इट डजेंट मैटर कि आप लोगों का जेंडर कौन सा है, बट इस लाइफ टाइम में जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आ रही हैं जो आप इस लाइफ टाइम में गेन करने वाले हो. मटीरियलिस्टिक चीज़ें मतलब अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, उसके अलावा एक अच्छा घर बनाना, अगर उसमें सपोर्ट करना, वो भी उसी चीज़ में ही काउंट होगा. इफ़ यू आर यू नो होम मेकर, स्टिल यू आर सपोर्टिंग इट. या कहीं ना कहीं एक फिनेंशियली आपका लेवल मुझे काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन दिस लाइफ टाइम, आपके पास्ट के लाइफ से. उसके अलावा व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज, यहाँ पे जो कार्ड है वो है 7 of Cups. 7 of Cups मुझे दिखा रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान, या तो आप लोगों का राहु जो है, या तो राहु की महादशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, या लग्न में है या सातवें घर में है,
समवेयर आई एम सीइंग कि रिलेशनशिप की जब भी बात आती है तो आप काफी कंफ्यूज रहते हो, या सही लोगों को अपनी लाइफ में आप चूज नहीं कर पाते हो, या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, इट डजेंट मैटर कि रोमांटिक है या नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान पहले देखते हो बाद में चीजें बहुत बदल जाती हैं। वो चीज मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कंफ्यूजन एंड इल्यूजन। इस लाइफ टाइम में आपको कुछ ना कुछ चीजों को लेके कंफ्यूजन और इल्यूजन रहेंगी, क्योंकि ये आप अपनी पास्ट लाइफ से लेके आए हो। डेस्टिनी आपकी इस लाइफ में ये है, आप ऐसे काफी लोग हो सकता है पाइल नंबर 1 से भी कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि थोड़ी सी रीडिंग यहां से मैच कर रही है। 7 of Cups के साथ 9 of Cups आया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले तो कोई एक इंसान बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में चीजों को लेके, कि उसको ये चीज भी पसंद है, ये चीज भी पसंद है, वो चीज भी पसंद है, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो पर्सन इस चीज को समझ रहा है कि नहीं, आई एम अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये चीजें जो भी मैं सोच रहा था या सोच रही थी, ये मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज मैं दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस था, तो मुझे लग रहा था ये चीजें मेरे लिए ठीक हैं, बट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम कनेक्टिंग विद माई सेल्फ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक गेन आएंगे इन दिस लाइफ टाइम, बट जो सबसे बड़ा जो एक धन होता है वो यही होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से हैप्पी रहना या पीस महसूस होना, कि बाहर के सर्कमस्टेंसेज हमारी लाइफ में कैसे भी हो, राइट, लेकिन अगर अंदर से हमारे अंदर एक संतुष्टि है, एक पीस है, तो हर एक चीज जो है वो अच्छी लगने लगती है, चाहे हम एक शीशे के महल में बैठे हैं, एक नॉर्मल से घर में बैठे हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। वो वाली चीज जो है आप इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करोगे कि धन दौलत सब कुछ होता है, बट स्टिल एक सोल से कनेक्ट होना, एक अंदर से पीस महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका एक डेस्टिनी का एक लेसन होने वाला है जो मुझे दिखाई दे रहा है। विद दिस कार्ड ऑफ दिस मैजिशियन यू विल मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। एक चीज मैं आपको पाइल नंबर 3 बताना चाहूंगी, चाहे आपको ये पता है या नहीं पता है, अगर ये अब तक जो कुछ भी मैंने बताया है आपसे मैच उसमें से 70% भी कर रहा है, तो ट्रस्ट मी यू गाइज आर रियली वेरी स्ट्रांग साइकिक। आप बहुत स्ट्रांग साइकिक हैं, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, एंड आपके अंदर वो एक एनर्जी है। आप ऐसे काफी लोग यहाँ पर इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एनर्जी है वाटर साइन की, या यहाँ पर आपके प्लैनेट काफी ज्यादा प्लेस्ड हो सकते हैं। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रांग इमोशनल एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस में भी मैजिक होता है, वही चीज आपके अंदर है। यू कैन मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बट हाँ ब्लॉकेजेस भी हैं, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगी। स्ट्रेस और फियर बहुत है, आप में से काफी लोगों को एंजाइटी का इश्यू भी रहता है, वो चीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपके लिए ग्राउंडेड रहना भी काफी जरूरी है, मीन्स कि घास पे आप नंगे पैर चलें, या जो भी अलग अलग ग्राउंडेड की टेक्निक्स होती है, यू शुड फॉलो दैट। विद दिस कार्ड ऑफ दिस एम्प्रेस यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू समथिंग इन दिस लाइफ टाइम। अब बर्थ का मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अ बेबी और अ चाइल्ड, बर्थ मीन्स कि आप कुछ नया लेके आए हैं इन दिस लाइफ टाइम, वो आपकी डेस्टिनी है जो आप ये चीज यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइज येस, हैविंग अ बेबी कैन ऑल्सो बी योर डेस्टिनी, बट बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो दूसरे लोगों ने नहीं किया है, और वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप करोगे। एक और चीज, यू गाइज आर ऑल्सो अ लाइट वर्कर। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं अर्थ पे भी एक बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहे हो, जो आपको शायद पता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, बट येस यू आर डूइंग दैट बिकॉज आपके अंदर वो एक लाइट है। आप बहुत ओल्ड सोल हो, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन दूसरे लोगों को ऐसी एडवाइस देते हो या गाइडेंस देते हो जो उनको बहुत हेल्प करती है, या इन फ्यूचर वो कभी ऐसा टाइम आएगा जो करेगी, वो चीज यहां पर बिल्कुल है। विद दिस कार्ड ऑफ फूल आई एम सीइंग कि ये जो भी स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी आपके अंदर है, आप उससे बाहर आओगे, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। बट येस अगेन, उससे पहले एक ऐसा समय भी आएगा कि आपको लगेगा कि आपकी आंखों के आगे से एक पर्दा जो है वो हट चुका है, और आपको चीजें बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। और होता है ना कि जब बहुत टाइम से आंखों पे पट्टी बंधी और एकदम से लाइट पड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, या एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा कि शुरू में आपको उसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी, जो भी वो सच होगा, ट्रुथ होगा, बट इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपको समझ में आएगा कि यही आपकी किस्मत है, यही आपकी डेस्टिनी है, और यही आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है,
जो आप पहले नहीं समझ पा रहे थे, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस. काफी सक्सेस आपकी लाइफ में मिलेगा. सिंस ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट हो सकता है हर एक इंसान के लिए, बट स्टिल वो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी इन दिस लाइफ टाइम, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसका अच्छा फल आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगा. चलिए एक कार्ड निकालते हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. कभी क्या इन्हें मैसेज आप देना चाहते हैं. टाइम टू गो. सो यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड. कुछ चीज़ है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में. अगेन मुझे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आप करने वाले हैं. टाइम फॉर अ नैप. मे बी अभी रिसेंटली या अभी इस टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसी या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां पर यू रियली नीड टू टेक अ नैप. आपको जरूरत है थोड़ा रेस्ट करने की, जो मैं आपको वो क्लैरिटी वाला वो कह रही थी ना. हो सकता है या तो वो अभी चल ही रहा है आपकी लाइफ में. सो सॉरी. या सो आई वॉज सेइंग कि टाइम फॉर अ नैप मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी या तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी ही चल रही है जहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड योर रियलिटी, अपनी रियलिटी को समझने के लिए. क्योंकि देखिए, हर किसी के सोचने का जो तरीका होता है या दुनिया को देखने का जो तरीका होता है, नज़रिया होता है, वो डिफरेंट होता है. अभी जो आपका नज़रिया है वो बहुत जल्द चेंज होने वाला है या चेंज अभी होना स्टार्ट हो गया है. दोनों सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है. वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएंगे कि क्या वो चल रहा है या हो चुका है या जस्ट होने वाला है, बिकॉज अगेन इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अगेन कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट का आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. Bye, take care.